हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे कहीं पर भी आधार नंबर जो है फिल करते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे आधार नंबर इनवैलिड करके यहाँ पे लिखा रहता है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो यहाँ पे जब भी आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले जब भी आप लोग यहाँ पे अपने आधार नंबर कहीं पर भी एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको उसको अच्छे से देख के एंटर करना है। कई बार क्या होता है कि आप लोग कुछ और नंबर बोलते हैं बट यहाँ पे कुछ और नंबर यहाँ पे आप लोग एंटर कर देते हैं तो उस वजह से आपको प्रॉब्लम आता है। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे सही से अपना आधार नंबर नहीं देते हैं, नहीं फिल करते हैं, तभी जो है आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आता है। तो जब भी आप लोग आधार नंबर यहाँ पे फिल करते हैं तो सही से आप लोग चेक कर लीजिए 2 से 3 बार और सही से अपने आधार नंबर को फिल करिए ताकि आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम ना आए। और दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपके मोबाइल में नेटवर्क इशू होने के कारण भी आपको ये प्रॉब्लम आता है। तो जब भी आप लोग आधार नंबर फिल कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको अपने फ़ोन में नेटवर्क को सही रखना है। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए कि हो सकता है कि आपके मोबाइल में नेटवर्क का इशू आ रहा हो जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, ये 2 रीज़न हो सकते हैं जिसके वजह से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आता है, और यहाँ पर और कोई भी रीज़न नहीं हो सकता, ये 2 ही रीज़न होते हैं। तो आपको इन सभी बातों का यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है जिसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप लोग यहाँ पे मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है और कौन सा एरर आपको यहाँ पे शो कर रहा है, वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपको उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।